खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बीते 12 घंटे में जयपुर में 2 केस रजिस्टर किए गए हैं, जोधपुर में 1 की मौत की पुष्टि की गई है। प्रदेश में कुल 12 नए पॉजिटिव केसेस इस दौरान सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 5 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अजमेर में साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ में 1-1 केस पाया गया है। धौलपुर में जो ये आंकड़ा है वो 2 का है। जोधपुर में 2 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि कोटा से 1 केस की पुष्टि की गई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल कोरोना का जो ग्राफ है वो 2678 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा जयपुर से आ रहे हैं, जहां 937 संक्रमितों की पुष्टि की गई है। तो कोरोना से जो संक्रमितों की जो संख्या है राजस्थान में वो 2678 पर पहुंच चुकी है। दौसा में 21 कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। पाली में 12, हनुमानगढ़ में 11, जबकि अलवर में 9 कोरोना के केस पाए गए हैं। प्रतापगढ़ में 2, बाड़मेर में भी 2 कोरोना केसेस हैं। जोधपुर में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 593 पर पहुंच चुका है। टोंक में 134 लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, जबकि भरतपुर में 111 लोगों में को कोरोना हुआ है। जैसल में 49 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। झुंझुनू में भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चुरू में 14, धौलपुर में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। तो लगातार जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। मजदूरों का भी एक मुद्दा है जो अहम मुद्दा है, जिसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है राजस्थान सरकार, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन कोरोना की फिलहाल राज्य में किस तरह की स्थिति है वो हमने आपको दी है। साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद पलावत जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, किस तरह की स्थिति फिलहाल राज्य में बनी हुई है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 2678 केसेस की पुष्टि अभी तक बनी की जा चुकी है, मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें राजस्थान के जो 29 जिले हैं वो फिलहाल कोरोना की जद में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक ये कहा जा सकता है कि सभी जिले, अधिकांश जो जिले हैं वो कोरोना की जद में, हालांकि 8 जिले रेड जोन में घोषित किए गए हैं, इसके अलावा 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि लगातार नए नए जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक आराम की बात या ये कह सकते हैं कि एक रियायत की बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनका नेगेटिव आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अच्छा, काफी तादाद में जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये एक राहत की बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि करीब 1100 से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो राजस्थान के अंदर कोरोना पॉजिटिव थे और अब नेगेटिव हो चुके हैं। इनमें से करीब 714 लोगों को अब डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन एक गंभीर बात यहाँ पर सामने आ रही है कि पहले जहाँ पर बुजुर्गों की जो कोरोना के कारण मौत होती थी, तो पिछले 2-3 दिन के आंकड़ों की बात करें तो उसमें जो कम एज ग्रुप के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कोरोना से संक्रमित, कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई है, और आज 3 मौत यहाँ पर हुई है। और उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 15 साल का एक जो बच्चा है वो भी जो जैकेलन हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसकी भी यहाँ पर डेथ हुई है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि रोजाना करीब 5-6 लोगों की जो मौत है पिछले 2-3 दिन से वो यहाँ पर हो रही है। और इसके साथ यदि राजस्थान के राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 933 जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। साथ ही जोधपुर की बात करें तो 547 पेशेंट जोधपुर जिले के, साथ ही एम्स से एयरलिफ्ट कर जिन लोगों को लाया गया वो जिनको जोधपुर रखा गया है उनमें से भी काफी लोग जो है करीब 40-50 की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव है। और इसी बात में रिपोर्ट कर रहे हैं तो अजमेर में 162 कोरोना पॉजिटिव है और बांसवाड़ा में 66 है। इस तरह से कई ऐसे जिले हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, उनमें जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 100 से ज्यादा यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है
वो मिल रहे हैं, और उसी कड़ी में राजस्थान में भी ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन एक रात बात ये और कही जा सकती है कि अब जो ये 8 जिले जो हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, वहाँ पर एक एक्टिव प्लान बना करके और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी, और इन 8 जिलों को रेड जोन में से बाहर निकालने का एक प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा। अरविंद, उसी पर मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब चूंकि लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा कर दी गई है, 17 मई तक देश में फिर से लॉकडाउन रहेगा, और तीसरे चरण का लॉकडाउन के तहत अब जिस तरह से जोन वाइज कैटेगराइज किया गया है, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 8 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में है, ग्रीन जोन में 6 जिले आपने बताए हैं, जबकि 19 जो जिले हैं वो ऑरेंज जोन में है। तो इन जोन्स की कैटेगरी को देखते हुए किस तरह की रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा रही है जिसके तहत आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी? देखिए, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में वहां पर जो कुछ रियायतें हैं वो केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई हैं, और अब रेड जोन जो है उसको ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में परिवर्तित करना ये राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वे जिस तरह से जैसा भी प्लान, एक्टिव प्लान यहाँ पर वो तैयार करेंगे, उसी प्लान के आधार पर आगे का वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाएगा, और ये कोरोना की जो चैन है, कोरोना वायरस, इसको ब्रेकडाउन करने का जो प्रयास किया जाएगा उसके आधार पर या ये जो जिले हैं ये कोरोना रेड जोन से ऑरेंज या कहा जा सकता है ग्रीन जोन में लाने का उसका एक जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर जो जिले रेड जोन में होंगे उन रेड जोन के जिलों में की जो रियायत है वो किस तरह से होगी ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना जो विस्तृत गाइडलाइन जारी की उसमें कुछ रियायतें इन जोन के लिए भी दी गई, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि संभवतः जो राज्य सरकार है वो रेड जोन के जो जिले हैं उसके अंदर भी कुछ सेक्टर अलग से बना सकती है और उस सेक्टर को विशेष रियायत दे सकती है। ठीक है, वो फैसला क्या होगा इस पर नजर बनाए रखिएगा। अरविंद, दोबारा आपसे जुड़ेंगे और आगे भी जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार राज्य में बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट अगर बात करें राजस्थान के अलावा भी देश के अलग राज्यों की, तो वहां पर भी कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और राजस्थान में जो ये आंकड़ा है वो 2678 पर पहुंच चुका है। चूंकि अब लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जोन वाइज जो कैटेगराइजेशन की गई है सरकार की तरफ से, आगे की रणनीति सरकार की क्या होगी ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उस पर अब लगाम लगाई जा सके। लेकिन आगे की अगर बात की जाए तो कोविड-19 के बाद अब लॉकडाउन में जो मजदूर फंसे हुए हैं अपने प्रदेशों में वो लौटना चाह रहे हैं। तेलंगाना से मजदूरों को लाकर ट्रेन हटिया पहुंच चुकी है, मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, कुछ को होम क्वारंटाइन किया गया है तो कुछ को सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा है। राजस्थान में जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें राजस्थान सरकार ने मनरेगा के जरिए रोजगार देने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वादा किया है। मजदूरों को बुलाने के लिए ज्यादातर राज्यों ने योजना तैयार कर ली है, लेकिन इन मजदूरों को काम कैसे मिलेगा इसकी योजना फिलहाल सरकार ने नहीं बनाई है। राज्य सरकार के पास शुक्रवार रात 11,56,000 प्रवासियों और श्रमिकों ने दूसरे राज्यों में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, तो एक बड़ा मुद्दा मजदूरों को लेकर लगातार बना हुआ है। सबसे पहले चिंता इस बात को लेकर बनी हुई थी कि मजदूरों की घर वापसी कैसे होगी, और अब जो रोजगार का मुद्दा है वो भी अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि क्या आगे होने वाला है इन तमाम चीजों को लेकर हम बात कर लेते हैं। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो अभी तक तो चिंता इस बात को लेकर बनी हुई थी कि मजदूरों की घर वापसी कैसे हो, अब चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि रेल चलाई जाएगी और मजदूरों की वापसी होगी, लेकिन अब जो दूसरा संकट है वो रोजी रोटी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ चुकी है, तो ऐसे में जो खाने कमाने का मुद्दा है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय इन मजदूरों के लिए बना हुआ है। क्या राज्य सरकार ने किसी तरह की रणनीति इसको लेकर तैयार की है, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए ये जो श्रमिक आएंगे ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में श्रमिक है वो राजस्थान में आएंगे और राजस्थान के जो प्रवासी श्रमिक है वो यहाँ से जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ये जो लोग आएंगे, करीब 11,56,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया, इससे करीब 70% लोग वो हैं जो अन्य राज्यों से यहाँ राजस्थान में वापस आना चाह रहे हैं, और उसमें से जो बड़ी संख्या है वो श्रमिकों की होगी।
ऐसी स्थिति में ये बड़ी चीज रहेगी कि इनको किस तरह से रोजगार दिलाया जाए। लेकिन जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास है, तो और दो दिन पहले जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया था और उसमें बताया था कि जो करीब 11 लाख मजदूर हैं वो नरेगा के तहत कार्यरत है। तो ऐसे माना जाता है कि अभी चाहेंगे क्योंकि संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है और हर एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जाए और मिनिमम जो वेजेस है वो उनको मिल सके, ये दोनों ही एक बड़ी चुनौती होगी। तो इसके लिए जहां तक लगता है कि इनमें से काफी कुछ मजदूरों को जो है वो नरेगा के तहत एक बार तो 100 दिन की जो रोजगार गारंटी जो योजना है उसके तहत इनको रोजगार दिया जाएगा और उसके साथ काफी कुछ जो मरीज है काफी कुछ जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को जो निजी तौर पर जो मजदूरी कर रहे हैं चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में हो या किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, तो बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे जो उस फील्ड के अंदर वापस जाकर के अपना जो रोजी रोटी है वो वहाँ पर कमा पाए। इस तरह के जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किए जाएंगे। फिर देखिए जो निर्माण कार्य था उसको सरकार ने पहले ही जो लॉकडाउन सेकंड फेज था उसमें राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी कि निर्माण कार्य है वो यहाँ पर रहेगा। उस काफी उस देरी ही जब स्टार्ट होगा तो निर्माण कार्यों में और भी कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। तो जो मजदूर बाहरी राज्यों से जो आएंगे उनको नरेगा के साथ ही जो निजी जो क्षेत्र है उसमें भी इनकी जो उनको मेहनताना मिले इनको वहाँ मजदूरी मिले इसको लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी एक प्रयास किया गया है कि इंडस्ट्रीज में 33% जो श्रमिक है उनके साथ में वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में कहा जा सकता है कि अब रोड मैप पर यदि ग्रास रूट की बात करें तो ग्रास रूट लेवल पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन को हटाकर और लोगों की जो रोजी रोटी की संकट पैदा हो रहा है और चाहे ये कह सकते हैं कि लोगों को इस चीज का भी डर है कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी इस चीज का डर सता रहा है कि उनकी कहीं जॉब नहीं चली जाए। जॉब तो लगातार सरकार इसको लेकर कोशिशें कर रही है। पहले तो बात सिर्फ मजदूरों की घर वापसी को लेकर थी, उसमें सरकार को कामयाबी मिली है और रेल चलाकर केंद्र सरकार ने मजदूरों की घर वापसी शुरू कर दी है। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने मनरेगा के जरिए रोजगार देने का को लेकर रणनीति सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। राजस्थान के रामगंज, चंदपोल, सोडाला, शास्त्री नगर, किशनपाल बाजार और पुराना जलूपरा हॉटस्पॉट बनाया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं। तो लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में पूरी तरह से इनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। पुलिस अधिकारी लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त पर हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस नजर आ रही है। बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो कोरोना से जो ग्रस्त रेड जोन्स हैं उनमें पूरी सख्ती के साथ पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कोई भी बेवजह अपने घरों से ना निकले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। जयपुर में रोजगार के लिए निवास कर रहे बिहार के प्रवासियों के लिए रेलवे की तरफ से गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार जयपुर से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। देर रात रवाना हुई इस ट्रेन में करीब 12,100 वो लोग शामिल थे जो लॉकडाउन की वजह से अटक गए थे यहाँ पर। ये ट्रेन जयपुर से सीधा पटना के लिए शुरू हुई है। रास्ते में किसी भी स्टेशन पर इसका स्टॉपेज नहीं होगा। स्पेशल रेल सेवा में केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति दी गई है जिनको राज्य सरकार की तरफ से चिन्हित और स्क्रीनिंग की गई थी। देर रात शहर के अलग अलग कोनों से प्रशासन इन लोगों को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा। सैनिटाइज कर यात्रियों को रवाना किया गया। यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी था, इस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे। साथ ही ये सुनिश्चित पुलिस प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा था कि हर एक यात्री मास्क जरूर पहने। साथ ही रेलवे की तरफ से सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था। कोरोना से लड़ाई में हेल्थ वर्कर्स और पुलिसकर्मी लगातार जुटे हुए हैं। लोग जल्दी से जल्दी समाज को कोरोना मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कोरोना की इस महामारी के दौरान अपनी सेवा दे रहे सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को हम जल्दी स्वस्थ और सुरक्षित बनाएंगे। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। राजस्थान में कोरोना की महामारी से जो चुनौती बनी है
उसका सामना करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, वार्ड बॉयज़ का, हमारे हेल्थ वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का, हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज को सप्लाईज़ को जो चालू किए वो लोग हैं, वो बहुत खतरा लेकर भी जनसेवा कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। इस मुहिम में उन सबका बहुत अहम योगदान है। मैं सभी की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस कोरोना की चुनौती का सामना कर इसको पराजित करेंगे और एक बार पुनः राजस्थान को स्वस्थ और सुरक्षित बना पाएंगे। राजस्थान के बाहर रहने वाले लोगों को पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में आने की अनुमति इन्होंने मांगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी दी है कि राज्य के बाहर से आने वालों को 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड का कड़ाई से पालन करना होगा। देश के बाहर रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों ने राजस्थान में आने के लिए सरकार के जरिए नंबर और पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। जानकारी दे दें कि ये भी बताया मंत्री जी ने कि प्रदेश में आने वाले प्रवासियों की जो स्क्रीनिंग है उससे ये पता लगाने में सहूलियत मिलेगी कि कौन सा मरीज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। पूरे राज्य के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, हमने जो पोर्टल डेवलप किया था और एक नंबर दिया था जिसपे राजस्थान आने वाले लोग अपने आने की सूचना दर्ज कर सकते हैं, उस पे जो सूचना हमको कल रात तक मिली थी वो लगभग 10 लाख लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए राजस्थान वापसी के लिए प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था कि इनको हम बसों से नहीं ला सकते, कहीं 2500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 1500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 2000 किलोमीटर की दूरी है, तो वो लाना मुश्किल होगा। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप ट्रेन चलाइए, उन ट्रेन के माध्यम से इनको लेके आएंगे, तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हमारे मुख्य सचिव बात करके। जैसे ही ये ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जहां सर्वाधिक लोग आना चाहते हैं उनके जगह जिले चिन्हित कर लिए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स लगातार अपने अपनी फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं। समाज इन्हें सम्मानित कर हौसला इनका बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में संस्कृत चिल्ड्रंस एकेडमी मुरलीपुरा जयपुर में कोरोना के कर्मवीर योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आरएसएस के दुर्गा दास जी उपस्थित थे। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बंधु जैसे कि अनेक कर्मवीर योद्धाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। भूमिया समेत के अध्यक्ष विक्रम सिंह रुंडल ने जानकारी दी कि पिछले 30 दिनों से सुबह और शाम लोगों की भोजन की व्यवस्था समिति ने की है। वहीं जयपुर में श्रमिकों को ट्रेन से पटना भेजा गया। आधी रात बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना वॉरियर्स ने इन मजदूरों को ताली बजाकर लगाई। पुलिसकर्मी, रेलवे पुलिस बल, रेल कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमिकों को ताली बजाकर सम्मानित किया और उनकी विदा किया। आधी रात को जब जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई तो श्रमिकों को की आंखें भी नम दिखाई। इस दौरान वॉरियर्स एक लाइन में खड़े थे। आपको बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती हुई आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर से रात 12 बजे 1200 श्रमिकों को लेकर ये ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई है। पटना जाने वाली ट्रेन का निर्धारित समय 10 बजे था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा चुके मजदूरों के नहीं पहुंचने की वजह से ट्रेन थोड़ी देरी से रवाना की गई।
वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस फैला हुआ है। अस्पतालों में काम करने वाला मेडिकल स्टाफ भी अब संक्रमण की चपेट में आता जा रहा है और इससे अब परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी परेशानी का निजात दिलाने के लिए जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रोबोटिक ट्रॉली बनाई है। ट्रॉली में सेंसर कैमरा भी लगा है। दूर बैठा व्यक्ति रिमोट कंट्रोल के जरिए इस ट्रॉली को मरीज तक पहुँचा सकता है। ट्रॉली में मरीज के लिए खाना, दवाइयों के अलावा तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। रोबोटिक ट्रॉली के बाद अब मरीज के पास मेडिकल कर्मियों के आने की जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी। इनका हितेश और मेरी कॉलेज के प्रोफेसर पंकज पाटला को ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने दिमाग से ये एक ऐसी मेरी जोधपुर के राजनेताओं से, श्री वैभव जी गहलोत से और बाकी लोगों से भी चर्चा होती थी कि भाई ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल्स को कैसे लाभ दिया जाए। उसके तहत हमने आज एक रोबोट ट्रॉली तैयार की है। ये ट्रॉली जो आपका टेम्परेचर ले लेगी पेशेंट का, पल्स ऑक्सीमीटर इसमें लग जाएगा तो ये हार्ट की रेट ले लेगी और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो नाप लेगी। राज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और स्टाफ द्वारा और यहाँ के संस्थापक द्वारा ये एक जोधपुर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है कि ट्रॉली हॉस्पिटल के वार्ड के लिए, कोरोना पॉजिटिव वार्ड के लिए जो ऑटोमेटिक जाएगी, जिससे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको स्वयं वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है या दूसरी जाँचें हैं वो ज़्यादातर इसी ट्रॉली के साथ हो जाएगी और ह्यूमन कॉन्टैक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इसका सभी राज इंजीनियरिंग कॉलेज और राज इंस्टीट्यूट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मशीन जोधपुर के लिए इन्होंने बनाई। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।